अंकल के निशाने पर अखिलेश, अमर के लिए अखिलेश है औरंगजेब। मुलायम में दिखती है शाहजहां की छवि, औरंगजेब से कालिदास का भी किया कनेक्शन। राजनीति की रीत बहुत पुरानी है, यहाँ जीत मिलने पर शाबाशी मिलती है और हार के लिए तब तक वार किए जाते हैं, तब तक निशाने पर लिए जाते हैं जब तक फिर जीत के मुहाने पर कोई पहुंच नहीं जाता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद यही हो रहा है। अखिलेश को अपने तो अपने, विरोधी भी गाहे बगाहे निशाने पर ले ही लेते हैं। अब की बार सियासत के रण पर एक बार फिर अखिलेश के कभी अंकल रहे अमर सिंह मैदान में आए। अमर वही हैं जिनके लिए अखिलेश कभी खास हुआ करते थे। अखिलेश के लिए भी अमर वही हैं जिन्होंने अमर को अपने लिए अंकल बनाया, अंकल के बाद खुद के लिए बेहद खास बनाया और फिर एक वक्त बाद उनसे दूरियां भी उतनी ही संजीदगी के साथ बनाई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सियासी दोस्ती टूटने पर राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने टीका हमला बोला। कभी मुलायम के बेहद करीबी रहे अमर अंकल ने अखिलेश यादव की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से की, जिसने अपनी ताजपोशी के लिए अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया था। उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना कालिदास से भी की, जिन्होंने उसी डाल को काट दिया जिस पर वो बैठे हुए थे। अमर सिंह ने ट्वीट करके कहा, समाजवादी पार्टी के आज के राजनीतिक परिदृश्य में मैं बहादुर शाह जफर को याद कर रहा हूँ, जिसका अंत मुलायम सिंह यादव की तरह बेहद दुखद रहा था। अखिलेश यादव औरंगजेब की तरह से है, जिसने अपने पिता को केवल इसलिए जेल में डाल दिया था ताकि उसकी ताजपोशी को कोई खतरा न हो। अमर ने मायावती के अखिलेश यादव के मुस्लिम विरोधी होने के आरोप का समर्थन किया। उन्होंने कहा, मायावती ने अखिलेश यादव को मुस्लिम विरोधी बताया। यह आरोप अखिलेश यादव के साथ जुड़ने जा रहा है क्योंकि अफजाल अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार होते थे। उस समय मुलायम सिंह और शिवपाल ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। उस समय अखिलेश यादव ने एक मुसलमान का विरोध करते हुए अपने पिता को अध्यक्ष पद से और अपने चाचा को दल से निकाल दिया। उनका सहयोग करने के लिए मेरी भी एसपी से छुट्टी कर दी। राजनीति यही है, यहाँ दोस्त कभी दुश्मन बन जाता है तो दुश्मन कभी दोस्त बनता है। दोस्त और दुश्मन बनने की यह प्रक्रिया बदस्तूर जारी रहती है। जब तक राजनीति चलती है तब तक।